ये है आज की आधुनिक अयोध्या। तो चलिए इसे गहराई से जानने की शुरुआत करते हैं। बस अड्डा, राम मंदिर से 7 किलोमीटर की दूरी पर 14 बीघा जमीन पर 219 करोड़ की लागत से लखनऊ हाईवे पर नया बस अड्डा बनकर तैयार है। रेलवे स्टेशन, मंदिर से 1 किलोमीटर की दूरी पर 240 करोड़ रुपए में नया रेलवे स्टेशन डिजाइन किया गया है। भविष्य में अयोध्या से दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर, पुणे, कोलकाता, नागपुर, लखनऊ और जम्मू जैसे शहरों के लिए विशेष रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी। हवाई अड्डा, 1450 करोड़ रुपए में लगभग 1300 बीघे में फैला हुआ प्रयागराज हाईवे पर नाके के पास बनाया गया है नया एयरपोर्ट। यहां से राम मंदिर की दूरी सिर्फ 12 किलोमीटर है। भविष्य में कई बड़े महानगरों के लिए सीधे उड़ानें उपलब्ध होंगी। घाघरा जलमार्ग, अगर आपके पास अपनी खुद की मोटर बोट है तो छपरा से घाघरा यानी सरयू नदी की सैर करते हुए लगभग 300 किलोमीटर नदी में चलकर भी अयोध्या पहुंच सकते हैं। भविष्य में इस रूट के लिए भी मोटर बोट चलाए जाने का प्रस्ताव है। राम मंदिर, अयोध्या के राम मंदिर की कुल कीमत है 1800 करोड़। पूरी तरह बन जाने के बाद अयोध्या का मुख्य आकर्षण होगा। राजस्थान के मशहूर मकराना के पत्थरों से आकार लेते इस मंदिर की अनुमानित उम्र होगी लगभग 1000 साल। 22 जनवरी को पहली मंजिल का उद्घाटन होगा जिसमें राम की बाल्यावस्था की मूर्ति रखी जाएगी। बाकी की 2 मंजिलों का कार्य चलता रहेगा। खजुराहो के मंदिरों की नागर शैली के आधार पर इसे तराशा जा रहा है। मंदिर का कुल क्षेत्रफल 156 एकड़ या 251 बीघा है। हनुमानगढ़ी, राम मंदिर से लगभग 800 मीटर की दूरी पर स्थित है हनुमानगढ़ी। मंदिर के आवासीय परिसर को मिलाकर यह लगभग 52 बीघे में फैला हुआ है। मंदिर की 76 सीढ़ियां चढ़कर हनुमान जी के दर्शन के बाद ही राम मंदिर में जाने का विधान है। यह मंदिर अयोध्या शहर के ठीक बीच में एक ऊंचे टीले पर बना है। शहर की तरफ आने वाले आक्रमणकारियों के आने की सूचना यहीं से प्राप्त करके अयोध्या के राजा तक भेजी जाती थी। इतिहासकारों के अनुसार जितनी बार भी अयोध्या पर आक्रमण हुआ उतनी बार इस मंदिर को भी विध्वंस झेलना पड़ा। हालांकि सन्यासियों ने हर बार इस मंदिर को फिर से खड़ा किया। आज यह मंदिर रामानंद संप्रदाय और निर्वाणी अखाड़े के अधीन है। राम की पेड़ी, अयोध्या को सरयू नदी की भयंकर बाढ़ से बचाने के लिए इस बांध का निर्माण किया गया था जिस पर श्रद्धालुओं के स्नान के लिए कई घाट बना दिए गए थे। इतिहासकारों के अनुसार जितनी बार भी बांध टूटता था सरयू का पानी अयोध्या की गलियों में घुस आया करता था। इसी बाढ़ से बचने के लिए पूरे अयोध्या में जगह जगह पर ऊंचे टीले बनाए गए थे जैसे राम टीला, हनुमान टीला, लक्ष्मण टीला। आज ये बांध अयोध्या का मुख्य पर्यटन स्थल बन चुका है। हर दीपावली पर यहाँ लाखों दिए जलाकर रामायण की उस घटना को उत्सव के रूप में मनाया जाता है जब श्री राम अयोध्या वापस लौटे थे। अयोध्या के कई बार उजड़ने के पीछे एक कारण इस नदी को भी माना जाता है। हालांकि इसी नदी की वजह से यहां पर गन्ने की खेती बड़े स्तर पर की जाती है। लता मंगेशकर चौराहा, नया घाट और बस स्टैंड के पास ही अयोध्या का मुख्य चौराहा 6.7 करोड़ रुपए में बनकर तैयार हुआ है। पद्मश्री से सम्मानित राम सुथार जी ने 2 माह के कठिन परिश्रम के बाद इस 40 फीट लंबी वीणा को आकार दिया। 14 टन की इस वीणा को लता जी के स्मृति चिन्ह के रूप में यहां पर लगाया गया है। इसीलिए इसका नाम नया घाट चौराहे से बदलकर लता मंगेशकर चौराहा कर दिया गया है। धर्मपथ, नया घाट से कुछ पहले सड़क के दोनों तरफ 30 फीट ऊंचे 40 सूर्य स्तंभ लगाए गए हैं जिसे धर्मपथ का नाम दिया गया है जो श्री राम के राजकुल सूर्य वंश का प्रतीक है। दशरथ समाधि स्थल, नए बस अड्डे के बगल से एक पतली रोड कछार से आगे बढ़ते हुए लगभग 12 किलोमीटर दूर ले आती है दशरथ समाधि स्थल जो बिलहर घाट पर मौजूद है जिसके बारे में मान्यता है कि यहां पर राजा दशरथ का दाह संस्कार हुआ था। राम मंदिर के साथ ही इस जगह को भी पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किए जाने की योजना पर कार्य चल रहा है। भरत कुंड, अयोध्या से 15 किलोमीटर दूर है नंदीग्राम। यहां मौजूद तालाब को भरत कुंड कहते हैं। मान्यता है कि इसी जगह से भरत ने पूरे अयोध्या का राजकार्य संचालित किया था। पर्यटकों के लिए इस स्थान को भी विकसित किया जाएगा। गुप्तार घाट, राम की बेड़ी से सरयू नदी के किनारे चलते हुए 10 किलोमीटर दूर स्थित है गुप्तार घाट। ये कैंट एरिया में पड़ता है। इस जगह को श्री राम के जल समाधि के रूप में महत्व दिया जाता है। इसके अलावा अयोध्या नगर में हर गली में कई विशेष मंदिर हैं जिनकी अपनी मान्यताएं हैं, कथाएं हैं, विशेषताएं हैं। पूरी तरह से विकसित हो जाने के बाद नई अयोध्या को पूरी तरह से जानने के लिए, इसका आनंद लेने के लिए कम से कम 3 दिनों तक यहां रुकने की आवश्यकता है। देश विदेश से ज्यादातर पर्यटक भारत आते हैं उत्तर प्रदेश में आगरा का ताजमहल देखने और प्राचीन नगर काशी और सारनाथ घूमने। प्रश्न ये है कि अयोध्या घूमने और श्री राम का मंदिर देखने के लिए भला विदेशी क्यों आएंगे, और इसका कारण है भारत में लिखी गई राम कथा की सबसे पहली और प्राचीन पुस्तक रामायण। भारत में रामायण के अलावा कंबोडिया में रीमकेर, थाईलैंड में रामकियन जो कि वहां की राष्ट्रीय पुस्तक है, इंडोनेशिया में ककनिक, नेपाल में भानुभक्त रामायण जैसी पुस्तकों में वाल्मीकि की रामकथा से प्रेरणा लेकर इसे अपने अपने देश की संस्कृत के हिसाब से फिर से लिखा गया है। पात्रों के नाम, कुछ नई घटनाओं के अलावा मूल रामकथा सभी में एक जैसी है।
इसके अलावा भारत में ही रामकथा को लेकर संस्कृत में 7 संस्करण, हिंदी में 3 संस्करण, गुजराती में 47, उड़िया में 14, तेलुगु में 5, कन्नड़ में 4 और अन्य भाषाओं में लगभग 17 संस्करण मौजूद है। इसके अलावा लिखे गए नाटक, कविताएं आदि को भी अगर मिला दिया जाए तो इस दुनिया में 300 से अधिक तरह से रामकथाएं बार बार लिखी गई हैं। इन सभी रामकथाओं पर कई विशेषज्ञों ने समय समय पर अध्ययन किया और अपने विचार दिए। फादर कामिल बुल्के, हरमन जैकोबी, वेंडी टोनिकर, एडवर्ड अल खरर, अल्फ हिल्टे बीटेल, पाउला रिचमैन, आप्रे मेनन, रमेश मेनन, राधा विश्वनाथ, सांतनु गुप्ता, मीनाक्षी जैन, लाला सीताराम, स्वामी ज्ञानानंद सरस्वती जैसे कई लोगों ने समय समय पर रामकथा को लेकर गहन शोध किया और इसमें छिपे हुए मूल कथा के साथ ही इसके इतिहास को समझने का प्रयास भी किया। रामकथा थी कौशल प्रदेश के द्वारा किष्किंधा और लंका पर विजय प्राप्त करने की, पहली बार एक अखंड भारत के निर्माण की। रामायण महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि ये अखंड भारत युद्ध से अधिक व्यक्ति के आदर्शों, सूझबूझ, मित्रता जैसे गुणों से स्थापित हुआ। रामायण एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो ये समझाता है कि भारत पहली बार एक कैसे हुआ। इसलिए ये गाथा न तो कभी भुलाई जा सकती है और न ही कभी मिटाई जा सकती है। और आज की अयोध्या उसी अखंड भारत का एक प्रतीक है, अपनी संपन्नता के कारण जिसने समय समय पर बाहरी आक्रमणकारियों का भी सामना किया। अयोध्या की इसी संपन्नता ने यहाँ पर मुगलों को भी आकर्षित किया। महात्मा बुद्ध भी यहाँ पर रुके, सिखों के गुरु साहब भी आए और जैन धर्म के तीर्थांकर भी। सिर्फ आए ही नहीं बल्कि उनके अनुयायी यहीं पर बसते चले गए। अयोध्या कितनी बार बसी, कितनी बार उजड़ी, इसके बारे में बहुत अधिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। सूर्यवंश के पतन के साथ ही अयोध्या का भी पतन होता रहा। बीच में कई सौ सालों तक अयोध्या मानो विलुप्त सी हो गई। इसका कारण क्या था, इसका कोई प्रमाण नहीं है। अयोध्या को फिर से खोजकर उसे स्थापित करने में बार बार राजा विक्रमादित्य का नाम आता है, लेकिन विक्रमादित्य एक उपाधि है जिसे कई राजाओं को दिया गया था, तो ये कहना मुश्किल है कि किस कालखंड के कौन से राजा ने ये कार्य किया। कुछ विशेषज्ञों का मत है कि यह काम उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने किया होगा। नंदवंश, मौर्यवंश, शुंगवंश, गुप्तवंश आदि के साम्राज्य में भी अयोध्या का वर्णन प्राप्त होता है। सबसे बड़ा विध्वंस हुआ 1527 के आसपास बाबर के कार्यकाल में, जब राम मंदिर को ध्वस्त कर बाबरी मस्जिद स्थापित की गई। सन 1722 में बंगाल के नवाब अली वर्दी खान ने व्यापार के नजरिए से राम मंदिर से कुछ किलोमीटर की दूरी पर एक नया शहर बसाने की शुरुआत की। 1730 में अवध के पहले नवाब सादत अली खान ने इसका नामकरण किया फैजाबाद। इन्हीं के उत्तराधिकारी सुजाउद्दौला ने इसे अवध की राजधानी बनाई। 1775 में अवध के चौथे नवाब असबुद्दौला ने फैजाबाद की जगह लखनऊ को अवध की राजधानी घोषित की। रावण अहंकार का प्रतीक और श्री राम विनम्रता के सूचक। सत्ता में आने के बाद हर व्यक्ति को ये बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए, सिर्फ रंग रोगन और पत्थर लगवाने से राम राज्य नहीं आएगा, बल्कि जिस दिन स्कूल, अस्पताल और सरकारी संस्थानों से भ्रष्टाचार खत्म होगा, लोगों का मुफ्त इलाज और अपनी भाषा में उच्च शिक्षा उपलब्ध होगी, उस दिन भारत उस पायदान पर खड़ा होगा जहां कभी हम हुआ करते थे। रामायण अहंकार पर विनम्रता की विजय है। अयोध्या को अगर पर्यटन स्थल का केंद्र बनाना है तो इस आधार पर बसाना होगा, राम राज्य लाना होगा, राजनीति नहीं। यदि इस वीडियो में कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए क्षमा करें। वीडियो पर समय बिताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूं पीके सिंह और आप देख रहे हैं प्रतापगढ़ हब। जय श्री राम, जय अवध, जय भारत।